जैसे ही जोसा का शेड्यूल आया बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया जोशा में पार्टिसिपेट कर लो जोसा में पार्टिसिपेट कर लो आप हमारा प्रीमियम परचेस कर लो जोसा में हम आपको पूरी हेल्प करेंगे च्वाइस फिलिंग दे देंगे च्वाइस फिलिंग ऑर्डर दे देंगे बहुत सारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले भैया लोग ये काम कर रहे हैं राइट right. तो so, क्या जोसा में पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी रैंक इनफ है क्या कोई जोसा में आपको अलॉटमेंट देखने को मिलेगा भी कि बस आप जोसा में उनके प्रीमियम की वजह से पार्टिसिपेट कर रहे हो बस चॉइसेस फिल कर रहे हो है ना उसके ऊपर डेप्थ में बात करेंगे यार डार्क रियलिटी ऑफ जोसा काउंसिल के ऊपर बात करेंगे कितनी रैंक तक क्लोजिंग कट ऑफ जोसा में जाता है इसके बाहर आपको जोसा के अंदर कोई भी सीट अलॉट नहीं होगी तो यार ये शेड्यूल मैं नहीं बताऊंगा आपको है ना आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा मेरा काम शेड्यूल बताना नहीं है शेड्यूल सबके लिए पब्लिकली अवेलेबल होता है है ना ठीक है तो अब स्टार्ट करते हैं कि जोसा में आपकी लास्ट कितनी रैंक तक एडमिशन हो जाता है क्या इसके बाद आपको जोसा में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्या सीएसएबी राउंड में कुछ होता है सीएसएबी और जोसा में कितना डिफरेंस क्रिएट कर देता है उसके ऊपर भी इन डेप्थ में बात करेंगे राइट तो देखो कौन सी काउंसिलिंग में बैठे वो डिपेंड करता है यार की आपकी सीआरएल रैंक क्या है पहले मैं जोसा पे डिस्कस कर लेता हूं तो देखिए ये ओपन कैटेगरी के लिए रैंक है ठीक है तो जिन बच्चों का जो बच्चे जनरल कैटेगरी में आते हैं नाइनटी टू थाउजेंड सी रैंक से ज्यादा नाइन्टी टू सेवन टू वन ठीक है ये वो लास्ट रैंक है यार जहां पे जोसा में अलॉटमेंट देखने को मिला था मतलब जिसकी रैंक नाइंटी भी थी इवन नाइन्टी भी थी ना उसको जोसा में कोई भी अलॉटमेंट सिक्स राउंड तक देखने को नहीं मिला था जनरल कैटेगरी में बात कर रहा हूं और कौन सा कॉलेज उसे मिल रहा है ये देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्पेट टेक्नोलॉजी भदोई में कार्पेट एंड टेक्सटाइल ये वो कॉलेज जहां पे आठ आठ लाख रैंक पे एडमिशन होता है जोसा में नाइन्टी टू थाउजेंड पे बंद हो जाता है राइट right. अब यहाँ पे तेजपुर वगैरह की बात करें इनकी सीटें सब खाली रहती है लेकिन जोसा में नाइन्टी टू थाउजेंड नाइन्टी थ्री थाउजेंड के अंदर सब पैक्ड हो जाता है इसके बाहर अगर किसी की रैंक नाइनटी थ्री थाउजेंड भी है मैंने अभी एग्जांपल लेके बताया उसको कोई भी अलॉटमेंट जोसा के अंदर देखने को नहीं मिलेगा जोसा में यार इतनी ट्रैफिक क्यों आती है क्यों बहुत सारे बच्चे जोसा के अंदर पार्टिसिपेट कर लेते हैं तीन चार मिथ है उसके ऊपर बाद में बात करेंगे फिलहाल ओबीसी कैटेगरी के ऊपर बात कर लेते हैं कि अगर ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट है तो जोसा में कितनी रैंक तक अलॉटमेंट पॉसिबल है तो फीमेल कैटेगरी में भी सम हाउ यही हाल है कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है इवन आप मान के चलिए कि नब्बे हजार से ज्यादा रैंक है आप फीमेल कैटेगरी में भी आती हो आते हो सीआरएल रैंक के ऊपर आते तो भी आपको जोसा में कुछ खास अलॉटमेंट देखने को नहीं मिलेगा अब देखिए ओबीसी की कैटेगरी रैंक पे जोसा में काउंटिंग होती है तो ट्वेंटी जिसकी कैटेगरी रैंक है इससे ज्यादा है उसको जोसा के अंदर कोई भी अलॉटमेंट देखने को नहीं मिलेगा ओबीसी कैटेगरी के लिए राइट अब थोड़ा और नीचे चलते हैं एंड कैटेगरी के लिए बात कर लेते हैं तो एस सी कैटेगरी में फोर्टीन थाउजेंड थ्री फाइव सेवन से ज्यादा कोई भी अलॉटमेंट देखने को नहीं मिलेगा जो सा में तो भैया इतनी भेदभाव क्यों जोसा में इतना हाई गट ऑफ क्यों देखिए आप जोसा के ट्रेंड को समझेंगे ना तो जोसा एकमात्र ऐसी काउंसलिंग है जहां पे कोई भी रजिस्ट्रेशन का पैसा आपको देना नहीं पड़ता है मैक्सिम ट्रैफिक जोसा के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत सारे लोगों को आइडिया भी नहीं होता कि यार को जोसा में कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बस वो पार्टिसिपेट कर लेते हैं और कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो जोसा में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो वो सीशा में नहीं बैठ सकते तो ये एक मित्र उनके दिमाग में बैठा रहता है इसी वजह से वो शुरू से जोसा से जोसा में रहते हैं छह के छह राउंड चॉइस फिलिंग करते रहते हैं और उनको

देखिए सी सैप अपनी जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करता है तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही फोर्टी थाउजेंड रुपीज आपसे सबमिट करवा लेता है तो दो तो बच्चे यार बस ऐसे ही मजे मजे में जा रहे हैं काउंसलिंग करवाने के लिए वो यहां पे रुक जाते हैं क्योंकि फोर्टी थाउजेंड रुपीज उनको सबमिट करना पड़ता है ओनली सीरियस कैंडिडेट जो होता है वो सीसा में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं बट जोसा में ऐसा कोई बाउंड्री पॉइंट नहीं सेट होता है तो यहाँ पे आपको थोड़ी समझदारी दिखानी है और हाँ ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जो बच्चा जोसा में नहीं बैठेगा वो सीशा में नहीं बैठेगा ऐसा कुछ नहीं है जो बच्चा अगर जोसा में नहीं बैठता है वो सीसा में बिल्कुल बैठ सकता है राइट जोसा एंड सीसा का कोई

तो आप पकड़ के क्या होल्ड करके क्या ले जाओगे तो आप डायरेक्टली फिर सीसा में पार्टिसिपेट करो और वहां पे आपके चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे और इसी चक्कर में बच्चा पूरा कंफ्यूज रहता है जोसा कोई दिखता रहता है और उसके साथ साथ बहुत सारी काउंसलिंग भैया चल रही होती है आपके लिए राइट मैं काउंसलिंग के ऊपर बात करूं तो आईपीयू की काउंसलिंग है जैक दिल्ली है एमपीडीटी है रीप राजस्थान है सी एच है ट्रिपल एमयूटी है जैक चंडीगढ़ है ठीक है एल एन आई टी था पर डब्ल्यू बीजेस बहुत सारी काउंसलिंग आपके पैरेलली चल रही होती है स्टेट काउंसलिंग जहां पे आपकी रैंक पे अच्छे अलॉटमेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं लेकिन क्योंकि आप पूरा फोकस जोसा के अंदर लगा के रखते हो वहां पे आप लोग फोकस कर नहीं पाते हो है ना तो यार आपको थोड़ी सी समझदारी दिखानी होगी और उन लोगों से बचना होगा यार जो की एक लाख डेढ़ लाख रैंक पे भी आपको बोलते हैं कि जोसा में जाके बैठ जाओ और चॉइस फिलिंग ले लो और चॉइस फिलिंग कर दो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है जोसा में अगेन हाई कट ऑफ पे अलॉटमेंट नहीं होता है पॉसिबिलिटी बिल्कुल जीरो के बराबर है एक लाख रैंक अगर आपकी है तो जोसा में आपको कोई भी अलॉटमेंट देखने को नहीं मिलेगा राइट अब बात कर लेते हैं यार आपके पास ऑप्शन इतने सारे हैं तो पता कैसे चलेगा भैया पता ऐसे चलेगा कि आप एनालिसिस करो अपनी रैंक पे कि मुझे और कहां कहां बेटर मिल सकता है है ना जितना आप जानोगे बहुत सारे ऑप्शन है बहुत सारी काउंसलिंग चल रही है बहुत सारी काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करनी है आपको तो आप समझदारी दिखाओ और मल्टीपल पोर्टल्स की तरफ ध्यान दो कि यार मैं अगर जैक पार्टिसिपेट करूं तो मुझे क्या मिल सकता है, 499 जो है वो लॉन्च हो चुका है ठीक है इसके अंदर यार जितनी भी काउंसलिंग है अराउंडीन टू सिक्सटीन काउंसलिंग का डेटा आपको हम देते हैं कि आपकी रैंक पे वहां पर कौन से कॉलेजेस के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस मिल रही है राइट एग्जैक्ट डेटा में कहाँ कहा आपको कंप्यूटर साइंस आई टी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांचेस टॉप कॉलेजेस के अंदर आ रहा है तो वो डिटेल्ड प्रोफाइलिंग के अंदर आपको सारा डेटा हम लोग अवेलेबल कराते हैं लास्ट एट से हम लोग काउंसलिंग के अंदर है पार्ट फ्रॉम दैट जब आपको हम ये सारा डेटा प्रोवाइड करते हैं उसके बाद एक काउंसलर सेशन होता है जो कि वन आवर के आसपास रखा जाता है जिसमें सारी चीजें डिस्कस करते हैं आप सिर्फ एक काउंसलिंग का डाउट नहीं मल्टीपल काउंसलिंग का डाउट काउंसलर से पूछ सकते हो और ये जो काउंसलर शेड्यूल होता है वो मेन काउंसिलर के साथ ही रखा जाता है ना इसमें आपको क्या क्या मिलता है मैं डेम्बो के तौर पर आपको दिखा देता हूं लेट करोगी आपको हमने कंप्लीट प्रोफाइलिंग दे दी राइट right? कि आपको जोसा और सीशा में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको क्या क्या मिलेगा उसके अलावा अगर आप यूपी के एडमिशन में यूपीटीयू ट्रिपल एमयूटी एच में पार्टिसिपेट करते हो जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट करते हो एमपीडीटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हो जैक चंडीगढ़ के अंदर पार्टिसिपेट करते हो या फिर आप एचबीटीयू में जेपी नोएडा में एल एन वाई ट्रिपल एमयूटी में कहीं भी पार्टिसिपेट करते हो बाईएमसी में तो आपको क्या क्या मिल सकता है अपनी रैंक पे राइट right. क्या क्या पॉसिबिलिटी है राइट right. By में क्या मिलेगा तो ये मुझे कोई एक ही काउंसलिंग करानी है जहां पर मुझे कंप्यूटर साइंस आई टी रिलेटेड ब्रांचेस मिल रही है तो उस काउंसलिंग की कंप्लीट चॉइस फिलिंग भी हम लोग आपकी रैंक पे प्रोवाइड करते हैं ओनली इन द कॉस्ट ऑफ फोर डबल नाइन तो इसको आप अवेल कर सकते हो और यार इन चीजों से बचो जहां पे आपको हाई हाई रैंक पे बोला जाता है कि जो सा जैसी काउंसलिंग में आप लोग पार्टिसिपेट कर लो कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो तो यार नीचे आप कमेंट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में यार जितने भी हमारे प्रीमियम है उनके लिंक अवेलेबल है और स्पेशली अगर आप पेरेंट्स देख रहे हो तो जरूर से आप एक रोड मैप का आइडिया तो हो जाएगा आपको कि मुझे एटलीस्ट कौन सी काउंसलिंग में बैठना चाहिए जहां पे मैं मैक्सिमम एडवांटेज ले सकता थैंक यू सो मच